फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है चैनल वार्डगन पर। आज का वीडियो एक सीरीज़ अपडेट है। ये सीरीज़ का 8वां वीडियो है, मतलब कि इसके आगे भी 7 वीडियो इसी सीरीज़ का 1x1 अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक देख सकते हैं, या तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सीरीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आज का जो टिप्स है, बहुत ही छोटा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है। आप देखेंगे तो आपको भी शायद काम मिलाएगा। दोस्तों, जैसे कि मेरा जो क्रिसेंथम का सीरीज था उसमें हम लोग बहुत सारे पिंचिंग किए थे, लेकिन इंटरन गार्डन का जो अलग 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 सा जो प्लांट्स है सब में पिंचिंग नहीं चलेगा। तो कौन कौन प्लांट में पिंचिंग नहीं चलेगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग और भी देखेंगे कि दो प्लांट के बीच में कितना फासला होना चाहिए और कब इस फासले को बढ़ाना है ताकि प्लांट और भी बुशी बने, और ये भी देखेंगे कैसे इस पर पानी दिया जाता है और पानी देने का सही तरीका क्या है। ये प्लांट देख रहे हैं आप, मेरा पैनजी। अभी दिसंबर का 1 तारीख चल रहा है, पैनजी में फ्लावर मेरा खिल चुके हैं। बाकी सब प्लांट में भी थोड़ा बहुत बर्ड्स आना शुरू है, लेकिन जैसे कि मेरा पैनजी और आपका है पिटूनिया, इनमें फ्लावर खिल चुके हैं। हालांकि पैनजी के लिए उतना बड़े पॉट का ज़रूरत नहीं है, छोटा पॉट काफ़ी है। मेरा ये 4 इंच का पॉट है और दूसरा जो पहला वाला था वो 5 इंच का पॉट है। ये हमारा डालिया है, डालिया के लिए मैंने जो पॉट किया वो 8 इंच का पॉट है, लेकिन इसके लिए जो रिकमेंडेड पॉट है 10 इंच का है। मारीगोल्ड के लिए भी आपको 10 इंच का पॉट लेना चाहिए। दोस्तों, दिसंबर का 1 तारीख में मारीगोल्ड में इतना सारा फ्लावर बहुत रेयर होता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही मारीगोल्ड लगा दिए थे इसलिए बहुत जल्दी फ्लावर खिल चुके हैं। आप लोग शायद देख चुके हैं मेरा वो लगाने वाला वीडियो। देखिए, मेरा जो इम्पेशंस है वो बहुत बुशी हो चुके हैं, इसमें पिंचिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे का क्योंकि पत्ता लगा हुआ है इसलिए मुझे इसको थोड़ा गैप गैप में रखना है, मतलब कि एक दूसरे का प्लांट का जो पत्ता है एक दूसरे से लगना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा गैप कर दिया तो क्या होगा, इसमें जो बुशी है बहुत तुरंत उस फास्टर होगा, क्योंकि अगर एक प्लांट का पत्ता दूसरे प्लांट पर लगा हुआ होगा तो प्लांट क्या करते हैं उसका ग्रोथ उस तरफ से बंद कर देते हैं। इसलिए आपको कभी भी एक दूसरे का पत्ते दूसरे पॉट या दूसरे प्लांट पे लगना नहीं चाहिए, अगर होगा तो आपको तुरंत उसको एक गैप करना है इस तरह का, मतलब कि हर प्लांट का पत्ता दूसरे प्लांट पे नहीं लगना चाहिए, इस तरह का आप गैप कर दीजिए तो आपका जो प्लांट है इसके लिए बहुत अच्छा है और आपको अच्छा रिजल्ट के लिए ये करना ही होगा। देखिए दोस्तों, जो गार्डन का दूसरा प्लांट है जैसे कि स्टॉक, जैसे कि जेरेनियम, जैसे कि पिटूनिया, इन सब में पिंचिंग का कोई ज़रूरत नहीं। एक कैलेंडुला है, इसमें भी आप पिंचिंग मत कीजिए। पेंजी में भी पिंचिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पिटूनिया, इसमें भी नो पिंचिंग। देखिए, पिंचिंग नहीं किया है, उतना रिजल्ट देखिए कैसा सुंदर हो रहा है। इसमें बहुत सारा फ्लावर खिलने वाला है। इसका जो हेल्थ देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर जो दोस्तों पॉट का जो फासला है इस तरह से थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, प्लांट को बड़े होने के साथ साथ उसका गैप भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे का पत्ता अलग अलग से दूसरे प्लांट से लग जाएंगे। ये मेरा सर्विया प्लांट है, हालांकि मैं एक प्लांट को दिखा रहा हूँ एज ए सैम्पल, आपको हर प्लांट के साथ यही तरह से काम करना है, ताकि इसका जो घास फूस है इसको आप साफ करना है और इसको थोड़ा आपका खुदाई कर दीजिए 10 दिन का या 7 दिन का अंदर अंतर, जबकि आपको मस्टर्ड का एक लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करना है तो उसी के आगे का दिन इस तरह करना है। आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जो कैसे मास्टर के लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। देखिए दोस्तों, मेरा कुछ ऐसा प्लांट है जिनको लगाने के लिए मुझे कोई पॉट खाली नहीं मिला था, उनमें से एक कुछ सारे प्लांट है क्रिसेंथम का। इसमें स्नोबॉल और पम्पन दो वैरायटी है। देखिए, जो पॉलीपेक में रहते रहते ये लोग फूल देने शुरू कर दिए, हालांकि इन लोगों के लिए पॉट नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, आपको जब पानी देना है अपने प्लांट पे, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें आप फ्लावर में पानी मत दीजिए, क्योंकि फ्लावर में पानी गिरने से क्या होगा, उसका जो लॉन्गविटी है वो घट जाता है, उसको आप पॉट में पानी दीजिए। लेकिन जो छोटे प्लांट है फ्लावर अभी तक खिले नहीं, आप उसको इस तरह से बीच बीच में शावरिंग करके वाटरिंग कीजिए तो क्या होगा, जितना सारा धूल है वो साफ हो जाएगा और इसमें क्या होगा, फंगस या कीड़ा मकोड़ा ये सब लगने का चांसेस भी बहुत घट जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा जो प्लांट है तकरीबन 15 दिन का अंतर अंतर में नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, इसलिए क्या होता है आगे से ही इसमें एक प्रोडक्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है,
नेक्स्ट टाइम इसको फंगस या तो कीड़ा मकड़ा का लगने का चांसेस बहुत घट जाता है। इसलिए आगे से स्प्रे कीजिए, एज ए 15 डेज इंटरवल आप शेड्यूल कर लीजिए तो आपके प्लांट में बहुत ही कम कीड़े मकोड़ा लगेंगे। देखिए तो मेरा जो डालिया है बहुत ही हेल्दी है, दूसरे प्लांट के साथ मैं 7 दिन का अंतर अंतर मास्टर का लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करता जा रहा था, लेकिन प्लांट बहुत हेल्दी बन चुका है, इसलिए मैं कुछ दिन इसको एडिशनल फर्टिलाइजर नहीं दूंगा। जब मैं देखूंगा इसमें दो एक बड्स दिखने लगे, बड्स दिखने के तुरंत बाद में इसमें बहुत ज़्यादा तरह से फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा 5 दिन का अंतर अंतर। दोस्तों मेरा ये सिनारिया है, ये बहुत छोटे प्लांट है, अभी बहुत लेट में लगाया था। और देखिए मेरा मास्टर्ड केक में फर्मेंटेशन के लिए इसको भिगो रहा हूँ, 4 दिन बाद मैं इसको यूज़ करूँगा। इसका यूज़ करने के लिए जो तरीका है उसके लिए भी डिटेल वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए प्लांट को थोड़ा धोने के बाद मैंने वो स्टेयर्स में थोड़ा गैप में बिठा दिया है। स्टेयर का जो चौड़ाई है वो 12 इंच का है, तो इसमें क्या होगा एक राउंड शेप में आपको बुशी होने के लिए जगह मिल जाएगा। ये मेरा डालिया है, डालिया आप देख चुके हैं हेल्दी बन चुके हैं बहुत। जेरेनियम स्टॉक है, जेरेनियम पिटूनिया सभी तकरीबन ठीक ही चल रहा है, लेकिन पिटूनिया मैंने देखा बहुत सारे लोगों का बहुत सारा फ्लावर अभी आ चुके हैं, मैं बहुत लेट में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग अगर कुछ दिन चलता रहेगा तो इस तरह का तो ग्रोथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नीम ऑयल के बारे में होगा, कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किए नीम ऑयल को देने का वो तरीका दिखाने के लिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल लाऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग सा वीडियो करना होगा। नमस्कार।